नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 16 जनवरी और शाम के 7 बज रहे हैं, तो बेसिकली आज संडे तो मार्केट ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ है। तो देखिए, जैसे कि हमारे क्वार्टर सीरीज चल रही है, क्वार्टर थ्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अपडेट दे रहे हैं। जो जो कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें एक और कंपनी का रिजल्ट आया था कल के दिन, सिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। सिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, उसके बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, मैं कंपनी की वेबसाइट पर, तो कंपनी कहाँ, कंपनी बेसिकली कंपनी का नाम है सिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी कहाँ से, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना आउटफॉर्म या अपना प्रोडक्शन हाउस दिखा रखा है वेबसाइट पर पूरा। तो कंपनी, देखिए कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा होगा एग्रो। हाँ दोस्तों, एग्रो के नाम से एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइजर यूज़ होता है, एग्रो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो जिसमें इनका काम है, ऑयल भी बनाते हैं, डी ऑयल केक बनाती है और DOC भी बनाती है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स बनाती है, ठीक है, अलॉन्ग विद सब्सिडी कंपनी। इनके उनके तीन चार सब्सिडी कंपनी भी इनकी, ठीक है ना, सिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, फर्टिलाइजर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो एग्रो के जो भी यूज़ होते हैं, उनका भी कंपनी त्रिशूल के नाम से इनका ब्रांड प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं तो वो लोग ये भी बनाते हैं। तो बेसिकली देखिए, एग्रो एग्रीकल्चर के लिए जो अभी भी देखिए एग्रीकल्चर की डिमांड, यानी कि जब भी हमारा बजट अनाउंस होगा तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ तो कंपनी गवर्नमेंट देती है किसानों के हित में। जितनी भी एग्रो एग्रो रिलेटेड कंपनी, सब में तेजी देखने को मिलेगी। बट हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे, तो जिसके जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, सुबह एग्रो के अंदर क्या रिजल्ट रहा है, इसके बारे में बात करें। देखिए, कल के दिन इसका रिजल्ट आया, 15 जनवरी 2022 का रिजल्ट आया था। यह ओनली BSE पर रजिस्टर्ड है कंपनी। तो देखिए, कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, ये कंपनी का रिजल्ट किस में, इनका लैक्स के अंदर रिजल्ट है। तो ये हम लोग स्टैंड लोन शेयर को, जो स्टैंड लोन जो इनकी रिटर्न है, उनको हम लोग रिव्यू करेंगे। तो इनका टोटल रेवेन्यू जो आया इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर के अंदर टोटल इनका वो आया है 3,316 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू आया। लास्ट क्वार्टर इनका था 3,016 और लास्ट ईयर था 3,082। तो आप देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू यानी जो इनके सेल है, उसमें इजाफा देखने को मिला है आपको क्वार्टर क्वार्टर वाई भी और ईयर ईयर वाई भी। ये देखिए, लास्ट ईयर इनके सेल थे 3,082 लाख की, वो बढ़ के हुई है 3,316 लाख की, और लास्ट क्वार्टर सेल थे 3,016, वो बढ़ के हुए 3,316। तो बेसिकली 300 का मार्जिन आपको, 300 लाख का मार्जिन आपको क्वार्टर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, और ईयर ईयर वाई भी 300 का मार्जिन देखने को मिल रहा है आपको। तो सेल में तो आपको देखिएगा इजाफा मोटा मोटा आपको क्वार्टर क्वार्टर वाई भी, ईयर ईयर वाई। अब इनके एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस इनके देखिए, तो एक्सपेंस जो इनका है, एक्सपेंस जो हुआ है 3,186 लाख का इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में था 2,629 और लास्ट ईयर था 3,025। तो देखिए, क्वार्टर क्वार्टर वाइज ईयर वाइज एक्सपेंस का ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी देखिए, जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि सेल्स को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपनी एवरमेंट करती है, जो कुछ भी कुछ तो चार्ज वार्ज उठाती है, वो सब चीज़ें तो हर कंपनी का है। जब भी अगर सेल बढ़ेगी तो उसमें एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, तो लाजमी होता है। अब इनका प्रॉफिट आया, जो ऑपरेशन प्रॉफिट जो आया है इस क्वार्टर में आया 130 लाख का, लास्ट क्वार्टर में 386 था और लास्ट ईयर था 56। तो ईयर वाई तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देखने को, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ईयर ईयर वाई, बट क्वार्टर क्वार्टर वाई डाउन देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट इनको जो है, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया इनको 97 लाख का, लास्ट क्वार्टर था 290 लाख का और लास्ट ईयर था 42 लाख का। तो देखिए, क्वार्टर क्वार्टर वाइज जो प्रॉफिट जो इनका है, वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि 200 लाख का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो ईयर ईयर वाइज तो काफ़ी अच्छा है, यानी 50 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 42 का, वो बढ़ के हुआ 97 और लास्ट क्वार्टर था 290, तो बढ़ के हुआ, जो घट के हुआ 97। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी EPS देखेंगे आप, तो देखेंगे आप ये देखिए, EPS जो इसमें 97.84 रुपये आया है, तो लास्ट क्वार्टर था 290 और लास्ट उसमें था 42.53 रुपये। तो इनको जो EPS जो आया निकल के, वो कम आया, यानी कि आप देखिए EPS की बात करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में टोटल इनको देखिए, टोटल जो EPS जो इसमें निकल के आया है 0.98 और लास्ट क्वार्टर था 2.91 और लास्ट ईयर था 0.43 EPS। EPS में ग्रोथ देखने को मिली आपको ईयर ईयर वाई, और क्वार्टर क्वार्टर वाई EPS डाउन देखने को मिल रहा हमारे को। तो लास्ट
देखिए अर्निंग पर शेयर जो दिखा रहा है इस क्वार्टर में 0.98 और लास्ट क्वार्टर था 2.91 और लास्ट ईयर था 0.43। तो ईयर ही तो काफ़ी ईपीएस में ग्रोथ देख रहा है, बट क्वार्टर क्वार्टर वाइज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और कोई अनाउंसमेंट है नहीं कंपनी की तरफ से, कोई डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है जो मैं आपको शेयर करूँ। बाकी हम समझेंगे इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया जो ईयर वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सेल में इजाफा आपको क्वार्टर क्वार्टर वाइज ईयर वाइज दोनों में देखने को मिला है, बस जो नेट प्रॉफिट है उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमारे को, क्वार्टर क्वार्टर वाइज डाउनफॉल देखने को मिला है, बट ईयर वाइज काफ़ी अच्छा है। तो मॉरल द स्टोरी ये है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है मिला जुला है, क्योंकि सेल में इजाफा देखने को मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से। मैंने आपको हमेशा बोला जिस कंपनी की सेल होगी, जिस कंपनी का बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी अब शेयर के अंदर क्या चल रहा है वो समझेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इसकी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि रिजल्ट अपडेट हुआ था। अब चलते हैं इसके अंदर इसका मार्केट कैप समझते हैं। देखिए इसका मार्केट कैप है 88.7 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी चल रहा 6.473 का, ROC इसका चला 12.9% का, बुक वैल्यू इसके 99 की है और ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका है 9.10% का, डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया 0.56%, फेस वैल्यू इसके 10 रुपये की है। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा खत्म कर चुकी है, कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा 0.19 times ऑफ बुक वैल्यू और कंपनी ने जो कर्जा देने के दिन है वो इम्प्रूव करें, यानी 54.85 से बढ़ घट के 41.61 कर दी। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी ने अपना कर्जा देने के जो दिन है उसमें गिरावट देखने को मिली है, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इस रिजल्ट के, इसके अंदर हुआ क्या फ्राइडे के दिन वो देखते हैं। फ्राइडे के दिन 2.5% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है, तो ओपन होता है 94.40 पे, हाई मारा 94.90 का, लो मारा 87.50 का, 52 हाई है 94.40, 52 लो 27.05 का, यानी कि फ्राइडे के दिन इसने अपना 52 हाई ही ब्रेक कराया। कंपनी कब से 1993 से सब्सिडी कंपनी भी इसके साथ मर्जर है, 5 दिन के अंदर इसने हमें 5% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 1 मंथ के अंदर इसने 33% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 6 मंथ के अंदर इसने 12% रिटर्न दिया और ईयर टू डेट के अंदर इसने 16% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। अब चलते से चार्ट के अंदर, तो सबसे पहले मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली चार्ट पे देखिए एक पैटर्न बनाओ जिसको हम बोलते हैं कप विथ हैंडल, एक पूरा कप विथ हैंडल बना हुआ है। देखिए कप भी बना फिर हैंडल बना फिर गिरावट का इंडिकेशन दे रहा है, बट हम चलते हैं इसका अभी लास्ट वीक इसने क्या क्लोज करा। लास्ट वीक अभी इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेंड करी है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल बना रहा है तो हमें अभी भी बाय कर सकते हैं आप, इसमें स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 84 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, बाकी आप 75 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है तेजी का इंडिकेशन दे रही है और RSI MACD हमारा अप ट्रेंडिंग की तरफ है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक और RSI हमारा 78 के आसपास चल रहा है। अब चलते हैं वीकली चार्ट डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे क्या इंडिकेशन दिख रहा है हमारे को, तो डेली चार्ट पे देखिए गिरावट की कैंडल बनी हुई है, बुलिश बेयरिश कैंडल बनी हुई है, बेयरिश कैंडल के बाद इसके अंदर क्या मूवमेंट रहा वो समझते हैं। तो देखिए अभी भी हम इसमें अगर बाय कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया ना 75 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, बाकी रिजल्ट मिला जुला है, ये भाई काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिली, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा डाउनफॉल देखना हो बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, कंपनी का मूवमेंट अच्छा है, तो यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी आपको मंडे के दिन, क्योंकि देखिए जितनी गिरावट वीकली चार्ट पे हमें एक इंडिकेशन देगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ सपोर्ट जो बन रहा है, मैंने 75 के स्टॉप लॉस से बाय करिए और बाकी ये 10 से 15 दिन में आपको 100% के लेवल दिखा देगा इजीली, 10 दिन के अंदर आपको 100% के लेवल इजी टच करके दिखाएगा, क्योंकि 52 हाई तोड़ेगा अपना, क्योंकि चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं गिरावट के, तेजी के इंडिकेशन और रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा मंडे को, अगर मंडे को गिरता तो थोड़ा बहुत गिरेगा बाकी नहीं गिरेगा, 80 के नीचे जाना इसका इम्पॉसिबल है, तो इसमें बाय करके पैसे होल्ड रखिए, अगर आपके पास तो बने रहिए, 100 रुपये के लेवल आपको 10 से 15 दिन के अंदर इजीली दिखा देगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।